अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छिम्बाल ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 5 बिंदु तैयार किए हैं, जो कि प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले बिंदु में 30 लाख नौकरियां देना प्राथमिकता होगी, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति अपना स्टार्टअप मदद लेकर शुरू कर सकेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट है कि जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो युवाओं के भविष्य के लिए, जो मतलब कि जिसे कहते हैं कि जो युवाओं का भविष्य कहीं पर अंधकार में डूब रहा है, तो उनके लिए 5 योजनाएं 5 घोटनाएं इनमें लागू की गई है हमारे नेताओं के द्वारा। तो उसमें जो हमारी सबसे पहली ये बात है कि जो हमारा यह है कि भर्ती भरोसे के अंतर्गत, जैसे कि देश में आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में 30 लाख नौकरियां जो है अभी तक, जैसे कहते हैं कि 30 लाख नौकरियों में अभी जो रिक्त पड़े पद हैं उसमें सरकार हमारी जब बनेगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले काम किया जाएगा, जो 30 लाख सरकारी पद हैं उनको भर्ती किया जाएगा और जो भर्ती भरोसा दिया जाएगा और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको इन सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा। और उसके बाद भी जिसे कहते हैं कि युवाओं के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं हमारे नेताओं ने लागू की है, जिसके अंतर्गत वो एक आपके भर्ती योजना यहाँ पर शुरू करेगी। उसके बाद जैसे आपके नकल विरोध के लिए जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर के है कि एक नकल विरोधी सख्त कानून बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे उत्तराखंड से लेकर के सारे पूरे देश में आज कहीं ना कहीं पर जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा लीक हो जाती है, तो परीक्षा लीक ना हो और हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बेकार ना जाए, इसके लिए एक सख्त, जिसे कहते हैं कि एक हम लोग कानून लाएंगे जिसके लिए ये पेपर लीक से इनको रोका जाएगा।